और असी पूरे पंजाब समुचे पंजाब नू ए इनविटेशन देने आ भी तुहानू वी घरों बाहर निकल के उदण आना चाहिए और इनफैक्ट आना ही चाहिए आ क्योंकि ये एक इनह्यूमन एक्टिविटी आ बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच तुसीं एक लॉ एंड ऑर्डर दे नाल चलदे हो पर जदों किसी इंसान की सज़ा पूरी हो जाती है तो उन्होंने छड्डना चाहिए है। तुसी वेखो एक बन्ने सिरसे वाले साध नूं परोल दित्ती जांदी है, एक बन्ने बिल्किस बानू दे रेपिस्ट नूं छड्डिया जांदा ते सरोपियां दे नाल नवाजिया जांदा आ। एक डिक्टेटरशिप ही है साडी कंट्री दे विच, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री सानूं दिखदी नहीं। पिछे पंजाब दी झाकी नहीं कढ़ी गई इन्हां ने, उहदे विच वी विकतरा कीता जिहड़े उहनां दे नाम दे उत्ते सियासी रोटियां सेक रहे ने, उह सेकणियां बंद हो जाणगियां जदों उन्हां दी रिहाई होगी। बहुत सारिया फंडिंग्स कट्ठियां करदे ने वो बंद हो जाणगियां, इस करके बहुत सारे लोगों नूं इनसिक्योरिटीज़ ने उन्हां दी रिहाई दे उत्ते। कानून ने काम किया, कानून जो बंदी सिंघां ते आउंदी उदों काम नहीं करती, उदों सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट कित्थे चल जाती है। ये सारा कुछ मिली भुगता इन्हां सारिआं दी और मैनूं लगता है इनह्यूमन एक्टिविटी आ। डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच इनह्यूमन नहीं होनी चाहिदी, इस टाइम दे उत्ते ह्यूमन राइट्स कित्थे चल जाते हैं। बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते लगे मोर्चे नूं लैके हुण एक वड्डा नाम सामने आया है कि सोनिया मान उस बंदी सिंघां दे रिहाई दे लगे मोर्चे दे विच शामिल होणगे। तां जी असीं सोनिया मान नाल गलबात करांगे कि आखिरकार क्यों की उन्हां दी पॉलिसी रहेगी, किवें जाणगे। तां मैडम सब तो पहला सवाल है कि इस बार सैलीब्रिटी क्यों दूर रहे ने इस बंदी सिंघां दी रिहाई दे मोर्चे तो? वेखो जी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं सी काफ़ी दिनों तो, और हुण मैं अमृतसर आई सी और मेरे मास्टर जी ने क्या कि आपू जाना चाहिए है उत्थे, तो मैं क्या भी साड़ी तुहाडे नाल हमेशा तो ही सपोर्ट है। सो असी 3 तरीक का काफिला इतों तैयार किया गोल्डन गेट तो, और असी 3 तरीक नूं वड्डे जथे दे नाल मेजर जनरल शबेक सिंह दे छोटे ब्रदर बेअंत सिंह उन्हां वल्लों और मैं एक्चुअली फैमिली का हिस्सा हाँ, असी सारे उत्थे जावांगे। साडा सिद्धूपुर यूनियन ने साडा समर्थन किया, होर भी मेजर जनरल शबेक सिंह दे नाल जिन्ने फौजी ऑफिसर सीगे उन्हां दीआं जिहड़ीआं जथेबंदियां ने उन्होंने सानू समर्थन दिता और असी पूरे पंजाब समुचे पंजाब नूं ए इनविटेशन दिंदे आ भी तुहानू वी घरों बाहर निकल के उदण आना चाहिए और इनफैक्ट आना ही चाहिए आ क्योंकि ये एक इनह्यूमन एक्टिविटी आ बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच तुसी एक लॉ एंड ऑर्डर दे नाल चलदे हो पर जदों किसी इंसान की सज़ा पूरी हो जाती है तो उन्होंने छड्डना चाहिए है। मैम तो मैं सवाल इतने रोकना चाहवाँगा सिखा नाल ही, क्यों क्योंकि बहुत सारे होर भी कौम ने उत्थे भी इस तरह का अत्याचार हर कित जगह पर होंगे लेकिन उन्होंने रिहाई हो जाती है, पर बंदी सिंघां वास्ते सरकार चुप क्यों ने? वेखो जी, आई डोंट नो, यही तो एक विकतरा किया जाता है। तुसी वेखो एक बन्ने सिरसे वाले साध नूं परोल दित्ती जांदी है, एक बन्ने बिल्किस बानू दे रेपिस्ट नूं छड्डिया जांदा ते सरोपियां दे नाल नवाजिया जांदा आ। एक डिक्टेटरशिप ही है साडी कंट्री दे विच, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री सानूं दिखदी नहीं। पिछे पंजाब दी झाकी नहीं कढ़ी गई इन्हां ने, उहदे विच वी विकतरा कीता। साडे पंजाब नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल पिछे रखिया जांदा और शर्मनाक गल है कि जिहड़े भी साडे पंजाब दे विच लीडर ने भावें वह किसी भी पार्टी नूं बिलोंग करते हो, मैं कहनी हाँ भी पंजाब दे विच रहिंदे हो तुसीं, पंजाब दा अन्न खांदे हो, तुहानूं पंजाब दे हक की गल तो करनी चाहिए ना। एटलीस्ट तुहानूं जे सेंटर पक्खी तुसीं बीजेपी नूं भी बिलोंग करते हो, एटलीस्ट तुहानूं उहनां दे नाल गल करनी चाहिए भी तुसीं साडे पंजाब दी झाकी क्यों नहीं कढ़ी। पर इत्थे जिहड़े उहनां दा विरोध प्रदर्शन है वह महज डीसी नूं मंग पत्र देण तक सीमित रह जांदा जां इक धरने प्रदर्शन तक सीमित रह जांदा, उस तों अगे ना तो संस्थावां निकलदियां ते ना लीडर निकलदे ने। वेखो निकलना चाहिए है क्योंकि लीडरां नूं हर एक लीडर नूं अपनी कुर्सी दे नाल प्यार है, अपने अपनी MLA-ship तक जां अपनी MP-ship तक, क्योंकि इस ये बहुत ही गलत गल है। सिंघां वाले चुप क्यों हो जाते हैं लीडर जदों भी कोई सवाल करते हैं ना, तो लीडर कहता जी कानूनी अड़चन है। कानूनी अड़चन तो कोई हो नहीं सकती, एक बंदे ने अपनी सज़ा पूरी कर ली तो उस तो बाद कि कानूनी अड़चन रह जाती। वेखो इन्हां दीआं जिहड़े उन्हां दे नाम दे उत्ते सियासी रोटियां सेक रहे ने, उह सेकणियां बंद हो जाणगियां जदों उन्हां दी रिहाई होगी। बहुत सारिया फंडिंग्स कट्ठियां करदे ने वो बंद हो जाणगियां, इस करके बहुत सारे लोगों नूं इनसिक्योरिटीज़ ने उन्हां दी रिहाई दे उत्ते, जबकि उन्हां विचारियां ने की पता सारी जिंदगी अंदर कटती होण आ के अपने परिवारों के नाल टाइम स्पेंड करना होया होवे। सारा कुछ हर एक बंदे का जी करता है भी चलो इन्ना टाइम असी सज़ा कट्टी आ, बाद चो अपनी फैमिली के नाल आपां टाइम स्पेंड करिए, बट ये लोग इन्ने ज़्यादा सैल्फिश आ, ये अपनियां पावर अपनी कुर्सी अपना पैसा नूं अगे रखते हैं ये सारा कुछ है ना, और वो सानू ये इनह्यूमन एक्टिविटीज़ के उत्ते आपां नूं आवाज़ चुकनी चाहिए। और मैनू लगता भी सारिया भैणां नूं
यूथ नूं अग्गे आके गल करनी चाहिए। जिवें किसान अंदोलन दे विच जे तुसीं वध चढ़ के अग्गे आके हिस्सा लिया सीगा, इस चंगी जिहड़ी एक मुद्दा है, एक जायज़ मुद्दा आ, उहदे वास्ते ते तुहानूं गल करनी चाहिए। ये की कर लैणगे तुसीं सोचो, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी हो गई, इन्ने साल हो गए, किन्नियां सरकारां बदल गईआं, हर कोई सरकार जिहड़ी है उह वादा करदी है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी बेअदबी वालियां नूं इंसाफ दिवावांगे जी, असीं दोषियां नूं फड़ांगे। अज तक मैनूं नहीं लगदा भी किसी ने कुछ किया भी है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी तक सीमित होंदे आ लोकां नूं, बस उस टाइम दे उत्ते झूठे झूठे वादे करदे आ जां कोई पैसे देंदे आ, और वो लोग भी बहुत माड़े आ जिहड़े पैसे लैके वोटां पा देंदे ने। सो इन्हां दीआं गल्लां इत्थों तक ही सीमित रहिंदीआं ने। जोत सिंह सिद्धू दी रिहाई कुछ समय वास्ते डिले कर दित्ती गई क्योंकि लेकिन लोग सड़कां ते आ गए, प्रदर्शन हो गए, बोर्ड लग गए, सियासत गरमा गई, तो बंदी सिंघां वास्ते कुछ नहीं। वेखो जी, उ मैं गल कहना चाहनी हाँ कि वेखो बंदी सिंघां वास्ते नवजोत सिंह सिद्धू की गल कर रहे हैं, उन्हों का दर्द लोगों है क्या? बंदी सिंघां का दर्द नहीं है लोगों? वेखो मैं नहीं कह सकती कि बंदी सिंघां का दर्द नहीं है, बट बंदी सिंघां दे बारे एक जिहड़ी गलत इमेज पोर्ट्रेट की गई है लोगों के दिमाग दे विच, किते ना किते लोगों को अफेक्ट करती है। और जिहड़े लोगों नूं मैं पहलों भी ये गल कही है, जिहड़े लोगों नूं इनसिक्योरिटीज़ आ उन्हां दीआं बाहर आउण ते जिन्हां दीआं गोलखां खोल लीतीआं जाणगीआं, जिन्हां दे कारोबार बंद हो जाणगे, जिन्हां दीआं कुर्सियां खुसण दा डर आ जिन्हां नूं, जद कि उन्हां नूं भावें इस चीज़ दे नाल कोई इंट्रस्ट ना होवे, उन्हां नूं की पता अपने परिवार नाल टाइम स्पेंड करना होवे, बट इन्हां लोकां नूं इनसिक्योरिटीज़ ने वो सारियां चीज़ां दिया। सो इस करके वो लोग नहीं चाहते कितने ना कितने कि वो बाहर आउण। पर बाहर की गल करिए, जिस तरह हुण राम रहीम परोल ते आंदा, उस तो बाद वो बकायदा तौर पर सत्संग कर रहा है और पुलिस जिहड़ी है सिक्योरिटी भी लगती है, सलावतपुरे च सत्संग किया जाता है, उहदा खतरा नहीं है? वेखो जी, वो कि ना कि उन्होंने सेंटर पक्षी सैटिंग होंगी है भी उन्होंने जड़ियाँ उन्होंने जड़िया संगतं ने उन्होंने वोटा जड़िया ने बीजेपी को जाएगियाँ, इस करके जी फिक्सिंग होंगी है इन्हों की पूरी इस करके उन्होंने परोल पर छड़ा जाता है, जेड़े तो इन्हों माप तोल दे आ जाते हैं, जेड़े तो इन्ह के लालचा के बन्ने जाते हैं, उन्होंने नाल उस तरीके का वर्ताव करते हैं। नहीं तो तुम सोचो, बिल्किस बानू के कातलों छड़ दिता, उन्होंने रेपिस्ट रेप किया कि वड्डी गल है, और उन्होंने सरोपिया के नाल नवाजिया गया कि शर्मनाक गल है। इस करके कई कई बार सानू राम रहीम जो राम रहीम जो परोल मिलती है तो हरियाणा सरकार कहती है कि कानून ने अपना काम किया, इनू किस तरह देखते हो? वेखो जी, कानून ने काम किया, कानून जो बंदी सिंघां ते आउंदी उदों काम नहीं करती, उदों सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट कित्थे चल जाती है? ये सारा कुछ मिली भुगत है इन्हां सारयां दी, और मैनूं लगता है इनह्यूमन एक्टिविटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री दे विच इनह्यूमन नहीं होनी चाहिए। इस टाइम दे उत्ते ह्यूमन राइट्स कित्थे चल जाते हैं? तुहाडा अगला टीचा की होएगा? अगला टीचा, क्योंकि तुसीं हुण मोर्चे की अगवाई करन लगे हो इक तरह की, अपने जरा अमृतसर तो मोर्चा लैके जा रहे हो, तो की उत्थे तुहाडे पॉइंट आउट रहणगे ते किवें तुसीं इन मोर्चे चों उत्थे रहोगे? वेखो जी, असीं उत्थे अपना टेंट लावांगे मेजर जनरल शबेक सिंह वालों, और साड़ी जिन्नी भी शमूलियत हुई असी उस मोर्चे नूं दवांगे, और हमेशा जिथे साड़ी लोड़ पई असी उत्थे उन्हां दा साथ दवांगे। किन्ने किन्ने लोग तुहाडे नाल जा रहे ने? वेखो जी, इतों 5-7 बसा इतों जा रही ने अमृतसर तो, बहुत सारिया गड्डिया का काफिला है इतों, और बाकी साढ़े नाल लोग राह दे विच भी जुड़नगे। होमलैंड तो ताडे वकंदे जिहड़े होर स्टार सी ओह बाहर नहीं निकले, किसानी अंदोलन वेले बाहर निकले सी, पर इस बंदी सिंघां दी रिहाई च स्टार्स जिहड़े ने खास करके पंजाबी स्टार ओह बाहर नहीं आ रहे। वेखो जी, जिन्हां दा ज़मीर जागदा होगा वह निकलणगे, जिन्हां दा नहीं जागदा होगा नहीं निकलणगे। बब्बू मान जी कल गए सी, चंगी गल है, जाना चाहिए सीगा उन्हां नूं, क्योंकि पंजाब दे वह यूथ आईकॉन ने और पंजाब नूं रिप्रजेंट करते हैं, और उन्हां दा काफ़ी वड्डा योगदान किसानी अंदोलन च भी सीगा, ते चंगी गल आ उन्हां नूं इत्थे जाना चाहीदा सीगा। बाकी होरां नूं की कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर, क्योंकि तुसीं खुद एक एक्ट्रेस भी हो, नाल नाल तुसीं एक्टिविस्ट हो, तो नाल नाल तुसीं एक्ट्रेस भी हो, तो तुसीं बाकियां नूं अपील करोगे या उन्हां नूं मिलोगे जाके कि बंदी सिंघां दे मोर्चे ते आन, क्योंकि ये मोर्चा उन्हां भरदा नज़र नहीं आ रहा? वेखो जी, एक्टर जिहड़े है ना, कई बार तो जो किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे नाल सलूक किया, कई बार तो उन्हां तों डरदे नहीं जाते। वेखो जी, परचे हुए सीगे जस बाजवा दे, ते मेरे ते किसी ने उहदी कोई गल नहीं कीती सीगी, सार नहीं दित्ती सीगी। उस तों बाद वेखो, पुलिस ने यूपी दे विच फड़ लिया सीगा मैनूं, उहदा इन्हां ने कोई बयान नहीं दित्ता सीगा। ते इह जिहड़ियां आपां इनह्यूमन, आपां बीजेपी वालियां नूं क्यों कहीए, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ ते किसान जथेबंदियां वाले भी करदे आ। सो इस करके कितें ना कितें कलाकारां दे दिमाग दे विच अपने प्रति ये गल भी हुंदी है भी साडे नाल उहो जिहा वर्ताव तो नहीं किया जाऊगा, पर जदों उन्हां नूं हौली हौली ठीक है, ये एक सही मसला आ,
वो अपने सोशल मीडिया के उत्तों भी कह सकते हैं और पर कोई बोलता नहीं। देखो ये उन्हां दी मर्जी है, मैं तो यही कहना चाहूँगी जिन्हां दे ज़मीर जागदे हो बोलणगे, जिन्हां दे नहीं जागदे हो उस पक्के मोर्चे दा हिस्सा बनोगे कि एक दिन वास्ते जाओगे? देखो मेरी गल सुनो, मैं उत्थे ही रहनी हाँ, चंडीगढ़ ही रहनी हाँ और मैं हमेशा उन्हां वास्ते हाज़र हाँ जदों मैनूं सद्दणगे। एक बारी मेरी रिस्पोंसिबिलिटी बनती सीगी कि असीं इत्थों अमृतसर तों मैं बिलोंग करदी हाँ और साडा पकना पिंड मेरे मासर जी का पिंड है और साडे लोग जिहड़े सीगे इत्थे साडा फर्ज़ बनता भी आपां इत्थों लोकां नूं लैके जाइए। सो साडी शमूलीयत हमेशा उन्हां दे विच रहूगी। तां हुण इस बंदी सिंघां दी रिहाई दे विच जिहड़ा है सोनिया मान जिहड़े ने हुण नज़र आणगे। मैडम इक सवाल होर रावांगे कि सरकारां नूं की सुनेहा, क्योंकि सरकारां इस गल ते क्यों नहीं बोलदियां? मेरा फिर बार बार इक्को सवाल कर रहे हैं कि होर कोई मुद्दा होंदा है, कोई लीडर किसी लीडर नूं गाल कढ दिंदा तो उहदे वास्ते धरने लग जांदे ने, प्रदर्शन हो जांदे ने, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो जांदा, लेकिन बंदी सिंघां दी रिहाई दे विच क्यों नहीं लीडर जागदे? आखिरकार उहनां दा ज़मीर नहीं है? आई डोंट नो उन्हां नूं मे बी मैं इहदे विच कोई कमेंट नहीं करना चाहुंदी बिकॉज़ मैनूं नहीं पता किसी के दिमाग का, किसी के दिमाग च की चल रहा है। बट साडा ये फर्ज बनता है कि जिहड़ी इनह्यूमन एक्टिविटी होवे उहदे खिलाफ बोलना। हुण बोलोगे तुसीं? बिल्कुल, मैं अज बोल रही हाँ तो अगे भी बोलूँगी। शुक्रिया। तां सोनिया मान जो कि हुण बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जिहड़े मोर्चे लगे ने उहदे विच शिरकत करनगियां, ते नाल नाल उन्हां लोकां नूं भी अपील की है कि वह आन ते इस मोर्चे दे विच शिरकत करन तां कि असीं बंदी सिंघां दी रिहाई छेती संभव कर सकीए। कैमरामैन अजय दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।